देवी का बजाज पूछते हैं माया और प्रकृति में क्या फर्क है वो समझ नहीं लगी अरे भाई माया शब्द है वेदांतियों का और प्रकृति शब्द है सांख्य योग वालों का और योग वालों का भी माया का जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है कि जो प्रतीत तो हो पर हो नहीं उसे हम कहते हैं माया और प्रकृति को सांख्य और योग वाले सनातन मानते नित्य मानते हैं उसे मिथ्या नहीं मानते हैं प्रकृति और पुरुष मैंने प्रकृति और परमात्मा नित्य है दोनों ही नित्य है और माया जो कि वेदांत का शब्द है माया का अर्थ है कि जो प्रतीत हो रहा है वो सगत जगत माने आपका ये विश्व आपका ये स्वप्न का जगत ये सब कुछ ही प्रतीति मात्र है वास्तव में है नहीं जैसे आकाश नीला दिखता है बट आकाश नीला है नहीं जैसे रस्सी में सांप दिखता है पर सांप एक्चुअल में वहाँ है नहीं जैसे चांदी दिखती है सिपी में पर पास जाओ तो हाथ में खाली सिपी आती है उसमें चांदी तो कुछ होती नहीं है आ, बस ठीक इसी तरह से इस सारे संसार को वो माया रूप कहता है तो ये वेदांत शास्त्र का शब्द है और प्रकृति जो शब्द है ये योग का है ये संख्य का है योग और संख्य में प्रकृति को कल्पित नहीं मानते हैं अनरियल नहीं मानते हैं ब उसको नित्य मानते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ शाक्त मतलब इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ दुर्गा और डिवोटी ऑफ से शिवा देन यूल बी कॉल्ड शैव इफ यू आर डिवोटी ऑफ विष्णु देन यू वील बी कॉल्ड अ वैष्णव सो फॉर अ वैष्णव फॉर अ शैव फॉर अ शाक्त वॉट इज देयर थेरी देयर थेरी इज दैट विष्णु मेड दिस रियल वर्ल्ड फॉर द जीव एंड शैव वुड से शिव जी मेड and shakti will say devi has made everything and this whole world is real it is not unreal at all as per them so they say we the jiva are children of ishvara and ishvara made this real world they say if paramatma is real then how can paramatma make an unreal world the real paramatma will make a real world but vedanta says इट्स नॉट रियल इट इज माया सो ये दो अलग अलग जो शास्त्र हैं ये उनकी शब्दावली है तो वेदांतियों का प्रिय शब्द है माया प्रयोग और सांख्य वालों के लिए है प्रकृति